हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लास थर्ड को जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर अ प्लांट फेरी, ठीक है, उसकी स्टोरी भी समझाई थी। और इस स्टोरी में एक पोयम थी लीफ यानी पत्तों के ऊपर, और वो स्टोरी भी मैंने हाफ कंप्लीट की थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज उस बाकी जो हाफ जो पोयम बची हुई है आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। बट बिफोर दैट वी हैव अ लिटिल रिविजन, ठीक है, हम एक रिविजन कर लेते हैं जो लास्ट हमने पोएम सीखी थी, एंड देन वी विल मूव ऑन। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको क्या बताया था लास्ट पोएम में कि जो दीदी है वो गार्डन से और घर के दौरान बच्चों को वो पोएम बता रही है। और उस पोएम में वो क्या कहती है कि जो पत्ते होते हैं दे हैव डिफरेंट कलर्स, ठीक है, डिफरेंट कलर के होते हैं, जैसे कि कुछ पत्ते रेड होते हैं, कुछ पर्पल होते हैं, कुछ येलोइश कलर होते हैं, कुछ डार्क ग्रीन होते हैं, कुछ लाइट ग्रीन होते हैं, करेक्ट स्टूडेंट्स। एंड जो पत्ते होते हैं, लीफ जो होते हैं, उनके यू नो डिफरेंट साइज होते हैं, अलग अलग आकार होते हैं उनके, दे हैव डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट शेप, ठीक है, अलग अलग शेप होते हैं, कुछ गोल होते हैं, यू नो कुछ लंबे होते हैं, कुछ त्रिकोण होते हैं, कुछ फ्लैट होते हैं और कुछ प्लेन भी होते हैं, ठीक है। प्लेन यानि किसी किसी पत्तों पर यू नो आपने देखा होगा पैचेस होते हैं, लकीरें बनी होती हैं, और कोई कोई पत्ता काफ़ी ज़्यादा प्लेन होता है, ठीक है। कुछ पत्ते बिल्कुल बटरफ्लाइज की तरह बड़े बड़े होते हैं, पंखों उनके जो पत्ते होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हल्के होते हैं, कुछ बीज की तरह छोटे छोटे पत्ते होते हैं, ठीक है। और कुछ पत्ते जब यू नो जब पतझड़ होते हैं, पत्ते जब ज़मीन पर गिर जाते हैं वो ड्राई होने लगते हैं, सूख जाते हैं और टॉर्न यानि फटने लगते हैं, ठीक है। और कुछ पत्ते होते हैं फोल्डेड यानि थिक लेयर वाले, काफ़ी मोटी लेयर वाले होते हैं। और कुछ पत्ते होते हैं हैरी यानि किसी किसी पत्तों पर देखो आप नोटिस करोगे, आप जब उन्हें पकड़ते हो तो उन पर हल्का हल्का आपको ना ऐसा महसूस होगा कि उनके बाल हैं उन पत्तों पर, करेक्ट। और कुछ पत्ते कैसे होते हैं, बिल्कुल प्लेन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कुछ पत्ते कैसे होते हैं, दे रिसेम्बल लाइक अ क्रेन, कुछ पत्तों की जो आकृति होती है, ठीक है, वो किस तरह दिखाई देती है, क्रेन यानी सारस की तरह, ठीक है, सारस पक्षी की तरह। सो मैंने आपको ये ऑलरेडी लास्ट वीडियो में समझाई थी इतनी सी पोयम, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यू नो हाफ अदर पोयम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हुस वूश स्कैटर एंड फ्लटर। अब हमने यू नो गर्मियों वाले दिन के जो पत्ते जब झड़ जाते हैं, टॉर्न हो जाते हैं, फट जाते हैं, देन फिर बरसाती सीजनों में उन पर बूंद गिरती है, उन्हें यू नो चमक जब वो बूंद जब उस पर गिरती है पत्तों पर, ऐसा लगता है वो कितना डार्क सनशाइन होती है, बहुत चमकते हैं वो पत्ते, ठीक है। तो हमने ये दो सीजन ऑलरेडी है ना इस पोएम के थ्रू हमने समझे। एंड फाइनली अब हम देखेंगे इसमें कि जब ठंडी का मौसम आता है, ठीक है, ब्रीज, जब उसमें क्या करते हैं, स्कैटर एंड फ्लटर यानी जब उस पर जब बूंद गिरती है बरसाती दिनों में, तो वो क्या होता है उसमें वो पत्ते जब डूब जाते हैं बरसात के पानी में, करेक्ट। और जब तेज हवा चलती है तो क्या होता है उस पत्तों का, दे फ्लटर यानी फड़फड़ाते हैं तेज हवा के झोंके के साथ। देन इन द ब्रीज दे ऑल डू मटर यानी ठंड जब होती है तो क्या करते हैं वो बड़बड़ाते हैं, ठीक है। ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले यानी सारा दिन वो खेलते हैं और यू नो हंसते हैं। एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे और रात में वो सो जाते हैं, ठीक है। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो पत्ते होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, अलग अलग प्रकार के पत्ते होते हैं। एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड ह्यूज यानि डिफरेंट शेप्स होते हैं उनके, अलग अलग यू नो कोई त्रिकोण होता है, कुछ लंबे होते हैं, कुछ प्लेन होते हैं, कुछ फ्लैट होते हैं, ठीक है, कुछ बटरफ्लाइज की तरह बड़े होते हैं, कुछ बीज की तरह छोटे होते हैं। सो दिस इज द पोयम ऑल अबाउट अ प्लांट फेरी, और प्लांट फेरी में एक लीव्स के ऊपर पोयम थी, एंड दिस इज द पोयम। एंड फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड अवर सेकेंड चैप्टर अ प्लांट फेरी। और इस पोयम के जो कवि हैं, पोएट हैं, उनका नाम है, दिस पोयम इज रिटन बाय विजेंद्र सिसोदिया, ठीक है, रिटन बाय विजेंद्र सिसोदिया। और इस पोयम के और इस सॉरी चैप्टर के मैंने आपको सारे नोट्स ऑलरेडी वर्कशीट में दे दिए हैं, घर पर स्टूडेंट्स प्लीज उन्हें रिवाइज कीजिए, राइट कीजिए, डेली लर्न कीजिए, रिविजन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स,
और घर पर प्लीज अपना जरा स्टडीज के ऊपर थोड़ा फोकस रखें. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.